अभी के टाइम पे कंसिस्टेंसी तो ला रहे बट जिस हिसाब से मानिया जो खेलता है ना और मानिया जो गेप को लीड करता घंट पॉवर डालते टीम को, और गन पावर डाल के वो फ्रैग्स लेता है फ्रैग्स लेने की वजह से नॉट ओनली जस्ट पोजिशन पॉइंट बट ऑल्सो किल पॉइंट की वजह से भी उस टीम को ऊपर लेके आता है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है वो खुद ही आईजीएल होके खुद ही लीड करने के बाद खुद ही फ्रैगर भी बन जाता है तो एक वर्सेटाइल प्लेयर है वो और उस वजह से वो एक वन ऑफ द बेस्ट आई है तो मैं आई अगर लेना चाहता हूँ मेरा ड्रीम टीम फाइव प्लेयर का तो मैं उसको लेना चाहता हूँ नाउ इफ आई नीड टू हैव अ क्लच मास्टर इन द टीम एंड वो बंदा तो इस मतलब ये बंदे का जो टू टू है ये तो कुछ खतरनाक अलग लेवल का है इसका मतलब ये वन एच पी की नीचे जाते ही नहीं है ये ये साला पता नहीं कैसा क्या कर लेता है तो I just don't know. So because of that reason, I will have to take the clutch master of the whole, you know, India. Or uh, so that is uh, Manya Akshat. Now, if you go for the fragging power, if किसी का अगर you know एक थोर पे अगर मैं देखूंगा जिस हिसाब से मेटा चल रहा है उस हिसाब से जो डीबीएस जिसको one of the ग्रेड चलाना आ रहा है और जो गाड़ी घुमाने पे जिसको यू you नो know, एकदम बढ़िया जिसको आता है उस हिसाब से सारे पॉइंट्स अगर एक मेटा के हिसाब से देखेंगे तो एस पावर इज अ गुड एडिशन इन दिस यू नो ड्रीम टीम में तो एस पावर को यू you नो know, अगर फ्रैगिंग के लिए छोड़ देता और मानिया को लीड करने देता और uh, जरूरत पड़ने पर अक्षर uh, दिस देयर टू तो क्लच दिस यू नो होल टीम आउट तो यार ये तीन का तो एकदम बढ़िया

बट एट फिफ्थ का भी देखेंगे तो मैं जस्टिन या फिर यू नो कुछ ऐसा एक बंदे को भी लाऊंगा थोड़ा सा और गन पावर डालने में तो या मे बी फोर्थ में मैं जस्टिन को डाल दूंगा एस एमजिंग प्लेयर एंड हेक्टर को डाल दूंगा जरूरत पड़ने पे खिलाया तो ये फाइव लाइनअप रहेंगे